मुझे थोड़ी मदद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा जो ये हाथ है ये पूरे तरीके से कट गया, और मेरे साथ में ये जो हादसा हुआ उसमें मैं तो बच गया, लेकिन मेरा हाथ मुझे खोना पड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में फिर स्वागत है। तो सुबह का 10 बज रहा है, और पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग नागपुर से भरे थे बोकारो का माल, तो कल ही आ गए, तो कल तो अपना गाड़ी खाली नहीं हुआ था, तो आज हमारा गाड़ी खाली हो रहा है, तो हमारा गाड़ी पॉइंट भी लगा हुआ और खाली होना चालू हो गया है। तो खाली करते हैं, तो प्लानिंग हुआ था कि यहाँ से लोकल माल भरने के लिए, आज संडे कहीं बात नहीं हो पा रहा मेरा, सब बोल रहे कि शाम में बताएंगे, तो इस टाइप का, और त्यौहार ज़्यादा दिन है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस में है। अब देखते हैं अगर शाम में कहीं बात हो जाता लोडिंग का, तो एक चक्कर लोड कर लेंगे, अच्छा टाटा से भी जा सकते हैं, टाटा से भी माल मिलता है, तो बातचीत करके जैसा होगा भी शाम में हम लोग करते हैं। तो चलते हैं, पहले खाली करवाते हैं। तो लोग सुबह ही आ गया था, और आधा से ज़्यादा मेरा गाड़ी खाली हो चुका है, थोड़े से बचा हुआ ज़्यादा नहीं है, और फिर यहाँ से हम लोग रिसीविंग लेकर फिर निकलेंगे, फिर यहाँ से अभी एक दो ट्रे और लगेगा, बस हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा और, अरे बाबू आधा घंटा लगेगा, दस पंद्रह मिनट में, अब दो लाइन है ही, दो ही लाइन में चलना, चलो हम लोग फिर जाए, चार से पाँच चलो ठीक है कराओ, फिर वो बाहर जाकर खाना वाना खाते हैं फिर जा करके। दोस्तों अभी करीब दोपहर के 12 बज चुके हैं यार, हमारा गाड़ी खाली हो गया, गाड़ी तो पहले ही खाली हो गया था, बस पेपर के लिए लोग रुके हुए थे, गेट पास वगैरह सब कुछ मिल गया और हम निकल भी चुके हैं। तो ये देखिए आप जा रहे हैं मेन रोड में, और अभी क्या कि हमारा लोडिंग का कहीं भी बात हुआ नहीं है, जो लोडिंग देख रहे थे वो अभी कैंसिल हो गया ना, वहाँ शायद कुछ रोड वगैरह कुछ बन रहा है इसी को लेकर, लेकिन अभी भी हमारा गाड़ी लोड होगा, तो हम लोग यहाँ से गाड़ी लोड करके ही जाएंगे, एक दो ट्रिप हमारा और लोकल का हो जाएगा, त्यौहार में भी टाइम है, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं हम लोग घूमते हैं, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाबू तो आप निकल रहे, थोड़ा जा रहे साइड में कहीं लगाएंगे अच्छी जगह। दोस्तों गाड़ी लेके तो निकल गए वहाँ से, अब जाकर बाद खड़ी खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद हमको शाम में रिपोर्ट मिलेगा। जमशेदपुर भी बात चल रहा है, जमशेदपुर से लोडिंग हो सकता है या धनबाद से भी हो सकता है। टोल टैक्स के पास दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी यहीं पे साइड में लगा देते हैं, और जब तक हमारा लोडिंग नहीं मिलता अभी हम लोग यहीं पे इंतजार करेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच गए टोल टैक्स पे, ये देखिए सामने टोल टैक्स है, तो यहीं पे ढाबा है, तो यहीं पे खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे की तैयारी करते हैं, और फोन में तो 4-5 जगह तो बातचीत चल ही रहा अभी, अब देखते हैं शाम तक क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों हमारा ऑर्डर आ चुका है, खाना खाने देंगे आगे होटल पे, तो तड़का भी है और मिक्स वेज भी है, दोस्तों हम लोग खाना खा के तो आ चुके हैं, और अभी यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, से लोडिंग का बात किए थे पापा, लेकिन अभी वो लोग बोले कि ज्यादातर चांस हम लोग को मिल रहा है टाटा से उड़ीसा का माल मिल रहा है, और टाटा से मिल रहा है गुवाहाटी तरफ का, तो गुवाहाटी थोड़ा ज्यादा ही दूर हो जाएगा, उड़ीसा भी रहे, तो हम लोग हो सकता है कि 8वीं 9वीं तक वापिस आ जाए ऐसा करके, तो एक दो दिन घूम ले उसके बाद फिर निकल जाए, तो ये हो सकता है, वही बातचीत चल रहा है, तो अभी कन्फर्म नहीं किया है, इसलिए पापा भी सो गए हैं और इंतजार करते हैं शाम तक। पापा तो अभी सो गए हैं, और हमारे कूलर में एक प्रॉब्लम आ गया था, कूलर से पूरा पानी रात में लीक करके इधर पूरा तकिया भी गीला कर दिया, और ये वाला सीट भी, तो धूप में थोड़ा देर रख दिए थे, तो अभी सूख गया है। अभी आप बोकारो में है ना अभी? हाँ बोकारो में खाली करके खड़ा थे, तो वही धनबाद से माल नहीं मिल रहा क्या? धनबाद से भी है, पतरातू वाला है, इंटरपीस नहीं है, हाँ वही रुइया जाता, खुद रुइया जो आप लोग का जाता, लेकिन क्या रोड वहाँ पे ढाल दिया है, हाँ ये भी दिक्कत है, इसलिए हमसे कि बाहर वाला माल मिल जाता है, आप जो बोल रहे थे तो अगर हो जाए तो उभर लेते हैं हम फिर, तो मतलब दिन भर ऐसे नहीं हो सकता कि कल दिन भर तैयार होगा तो रात में भी लोड हो जाएगा? हाँ वही क्लियर बता दीजिए ना, कैसे माल ये अगर कल दिन भर में माल तैयार करेगा, ठीक है, तो हो सकता है, हाँ तो रात में लोड कर देगा। दोस्तों लोडिंग का तो बातचीत चल रहा है अभी, तो पूरा क्लियर हुआ नहीं है, अब देखते हैं जैसे शाम होगा उसे क्लियर हो जाएगा। और इसी बीच में क्या हुआ कि महाराष्ट्र से एक हमारे ड्राइवर भाई है, हमारे सब्सक्राइबर भी है वो, तो उन्होंने हमसे एक छोटी सी मदद मांगा है, तो पहले आप उनका वीडियो देख लीजिए। जय श्री राम, मैं संतोष काळे, और मैं महाराष्ट्र का जालना जिले का रहने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो अपने ट्रक ड्राइवर है आर राजेश रवानी सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो अपने चैनल से मुझे थोड़ी मदद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले 7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा जो ये हाथ है ये
पूरे तरीके से कट गया और इसको दूसरे व्यक्ति का हाथ जैसे हैंड ट्रांसप्लांट मुझे करना है, मुझे हर हाथ मिलता है, मगर इसके लिए जो यहाँ के सीएम है मुख्यमंत्री सहायता निधि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, उनके सहायता से मुझे 3 लाख की मदद मिल रही है। इसका खर्चा है 9,44,000 सिर्फ खाली हॉस्पिटल का, वहाँ रहना है मुंबई में, जब तक कोई डोनर मिलता नहीं तब तक अपने को मुझे वहाँ रहना है। और मैं ये खुला बदन पे ये इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि ये बात एक ड्राइवर ही समझ सकता है और मुझे पूरी आशा है कि राजेश जी आप बहुत बड़ा तजुर्बा है आपको, आप पूरी ड्राइविंग लाइन का अनुभव आपने करा है और मेरे साथ में ये जो हादसा हुआ उसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरा हाथ मुझे होना पड़ा और ये हाथ मुझे मिल सकता है। 3 लाख की मदद सीएम फंड से मिल रही है, बाकी जो मदद है वो ट्रस्ट के लिए मैं गया था, उनके यहाँ मैं गया परंतु उन्होंने ये बताया कि जो आदमी जैसे अपन बोल सकते किसकी गिरने गई है उसको गिरने नहीं डाले वो आदमी जी नहीं सकता, उसके लिए वो ट्रस्ट वाले मदद करते हैं। वो बड़ी अच्छी बात है जो जरूरतमंद को वो मदद करते हैं, पर ये जो सोशल मीडिया है मुझे तो हर मेरे सामने बहुत जिंदगी पड़ी है तो मुझे तो लगता है आप सब जो भारतीय है आप थोड़ी थोड़ी मदद करके मुझे मेरा गया हुआ हाथ वापस मिल सकता है। तो इसलिए मैं ये हर राजेश जी से ये विनंती करता हूँ कि मुझे आपके चैनल पे ये मेरा वीडियो डाले और मुझे जितना हो सके थोड़ी बहुत मदद मिले, उससे मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मैं कर सकूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ आपके सहयोग आपकी मदद की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो में देखे कि संतोष जी हैं ये और ये महाराष्ट्र रहने वाले हैं, तो ये अभी तो काफी यंग है, इनका फैमिली बच्चा सब है, इनका एक एक्सीडेंट में हादसा में इनका हाथ कट गया था तो इनको अभी फैमिली बच्चा लेके भी चलना और फिर भी ये गाड़ी चलाना नहीं छोड़े हैं, तो बड़ा गाड़ी तो नहीं हुआ है तो छोटा गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा स्थिति खराब है इनका और इनका हाथ का इलाज हो सकता है। वो बोले हैं कि हाथ जो अलग से लग जाता है तो काफी खर्चा भी आ रहा है उसमें, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उनसे उनका बातचीत हुआ तो वो बोले कि वो भी हेल्प कर रहे हैं उनको, हम भी अपने तरफ जितना हो सकता है करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सत्कार भाई है अगर आप लोग भी कुछ कुछ हेल्प करें तो इनका जो है कि हाथ भी लग जाएगा और फिर अच्छा खासा फिर ये गाड़ी भी चलाने लगेंगे, अपना परिवार पाल बच्चा पालेंगे ये। तो हम आपसे आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग कुछ इनको सपोर्ट करें, कुछ इनको हेल्प करें कि इनका हाथ जो है लग जाए। संतोष जी हमको बहुत अच्छा लगा कि आप तो इतना मेहनत करते आ रहे हैं अभी तक और आपका हाथ नहीं है फिर भी आप गाड़ी चलाना छोड़े नहीं है, गाड़ी चला ही रहे हैं, तो आपने हमको बताया ये चीज तो हम अपने तरफ जितना हो सकेगा हम करेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे संतोष जी का बारकोड आ रहा है तो जितना हो सके आप इनको सपोर्ट करें और इनका हेल्प करें और हम महाराष्ट्र जब भी जाएंगे जब भी हमको मौका मिलेगा तो संतोष जी से मुलाकात भी करेंगे और उनका हाल समाचार हम लेते भी रहेंगे। दोस्तों अभी करीब रात के 11 बज चुका है और वहां से थोड़ा टोल टैक्स से मतलब हमें थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी यहां पे होटल के पास गाड़ी लगा दिए है, तो अब दोस्तों हम सोच रहे रात में यहीं पे सो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर से बात भी हमारा हो रहा था तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं किए, जो एक माल था इधर उड़ीसा वाला वो भी अभी तक पता नहीं क्लियर ही नहीं किए, अभी तक बोल रहे माल रेडी हो रहा है अब पता नहीं अभी हो पाएगा कि नहीं, तो हम लोग सोच रहे रात में यहीं पे सो जाते हैं फिर जैसा वो लोग बताएंगे कल तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर सुबह सुबह सोच रहे थोड़ा आगे और चले जाए। ऐसे तो माल जो मिल रहा है वो रांची से ही मिल पा रहा है, रांची से नहीं तो टाटा से, और इधर रह के फिर फायदा नहीं है हम लोग, इसलिए गाड़ी लेके फिर उधर रांची तरफ चले जाएंगे। दोस्तों सोने तैयारी करा यहीं पर, अब जैसा होगा बात होगा सुबह होगा नहीं तो फिर रात में कॉल आ सकता है, तो चले अपना पर्दा लगा दिए सब सोते आराम से यहीं पर। दोस्तों अभी करीब सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम लोग वहाँ से होटल से उठ के फिर थोड़ा आगे आ गए हैं, यहाँ पे बाईपास के पास में खड़े हैं और यहाँ पे अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं ये देखिए, और यहाँ ब्रश वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा और आगे जाएंगे। अभी तो हमारा गाड़ी भी साफ ही लग रहा है, ज्यादा गंदा भी नहीं हुआ है देख सकते हैं अंदर, तो अभी हमको साफ सफाई करना पड़ेगा, ये नीचे अभी हम साफ नहीं किए बाकी ऊपर का पूरा साफ कर दिए थे, तो देख रहे हैं साइड में कहीं पानी मिलेगा तो गाड़ी को अभी धो लेंगे और इधर भी जो हमारा और इधर भी सब कुछ तो साफ सुथरा दिख रहा है, बस हम लोग इसको पूछते रहते हैं ताकि ये रेडी है रात में चमके उसको लेकर, और बाकी तो इधर भी साफ सुथरा है हमारा गाड़ी। हाँ अब चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं कि हमारा तिरपाल अभी ठीक है कि तिरपाल भी फटी है। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर तो आ चुके हैं और तिरपाल भी हमारा बहुत ही अच्छा, कहीं भी फटा नहीं है, ये देखिए ये तिरपाल क्या है कि अच्छा क्वालिटी वाला था तो इसलिए इतना दिन चल गया, नहीं तो धूप से तो पूरा सड़ के गल जाता है पूरा, लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छा है, ऊपर का लेयर भी खत्म नहीं हुआ नीचे का भी बचा हुआ है अभी तक, एक दो जगह बस कट गया है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत और अंदर बचा हुआ है ऊपर का ही बस
फटा है। बस थोड़ा सा क्या हुआ कि तिरपाल थोड़ा आगे चला गया है, पीछे का थोड़ा सा बच गया है यहाँ पे, ये होता है ऐसे ऐसे करके। और रस्सी थोड़ा सा ढीला तो हो गया है जैसे देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ढीला हुआ है, ज़्यादा नहीं। और ये सामने वाला रस्सी भी थोड़ा सा ढीला हो गया है, ये देखिए। ये सब जैसे कि ये सबको एक एक करके टाइट करना पड़ेगा, जो ढीला हुआ है उसको सिर्फ टाइट कर देंगे। और आज का अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए पूरा हरियाली। दोस्तों ये इतना बड़ा त्यौहार है कि इसके लेकर थोड़ा बहुत नॉनटी का चेंजिंग होता है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वगैरह मेला वगैरह सब लगा रहता है वहाँ पे, तो उसके लेकर के बड़ा गाड़ी का थोड़ा सा आना जाना बंद हो जाता है, छोटा गाड़ी का भी जो है ना उस जगह आना जाना बंद हो जाता है, तो उसके लेकर थोड़ा हम लोग को समस्या होता है। क्योंकि सुनते हैं कि अगर कहीं जाना हुआ हम लोग को तो मालूम चला कि हम लोग को रुकवा दिया है, तो ये सब थोड़े हम लोग त्यौहार में दिक्कत होता है, खास करके ये नवरात्रि में होता है। बाकी ऐसे दिवाली वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही होता है। जैसे हमारा जमशेदपुर है, आप अभी से देख रहे छठ पूजा तक जो है पूरे काफी ज्यादा उधर बंद रहता है, नो एंट्री वगैरह भी सब लग जाता है, सब वो थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है नो एंट्री का गाड़ी आने जाने का। दोस्तों कल हम एक वीडियो देखे अशोक लेलैंड कंपनी का था, और देखे कि बिना गियर का गाड़ी, उसमें गियर अब नहीं दिया हुआ है। उसमें दो चीज क्या अच्छा लगा कि एक तो गियर नहीं था, दूसरी बात डीजल का भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह देखे हम तो उसको चार्ज करना पड़ता था, और उसमें देख रहे क्या कि चार्ज करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलेगा जैसे अपना गाड़ी में ऑल्टरनेटर के जरिए चार्ज होता है वैसे उसमें सिस्टम है। हाँ बैटरी लेकिन काफ़ी ज़्यादा था, हमको लग रहा है कि 12-13 बैटरी था उसमें। अब देखना यह है कि वो खिंचाई का क्या पोजिशन है, क्योंकि ये सब गाड़ी में थोड़ा सा जैसे डीजल का गाड़ी रहता है, इंजन गाड़ी तो खिंचाई में बहुत ज़्यादा रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब वो देखना है कि सक्सेस अगर हो जाता है तब तो हम गाड़ी वाला के लिए बहुत अच्छा रहेगा, गियर का लफड़ा नहीं रहेगा, कई बार गियर टूट जाता है फंस जाता है, हम लोग बहुत झेले हैं। बीच में हम लोग पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं था, अभी तो स्टीयरिंग बहुत ही आराम दे दिया है, तो पहले बहुत ही कड़ा स्टीयरिंग रहता था पूरा, ये सब हाथ वगैरह सब दुख जाता था। फिर बीच में कंपनी चेंज किया, सारा कंपनी चेंज किया, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग लाया, हम लोग के लिए बहुत ही आराम हो गया, कहीं भी कटिंग उटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसी टाइप का देख रहे हैं अभी जो से बिना गियर वाला गाड़ी आया है, आप इसको देखना है अगर सक्सेस हो जाए तो और भी कंपनी सब निकालेगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब गाड़ी देखिए जब हम लोग घाट में चढ़ते हैं तो कई बार गियर लगाना मिस्टेक हो जाता है, कई बार क्या होता है कि उल्टा गियर लग गया तो गियर टूट गया, अब उसमें वैसा लफड़ा रहेगा नहीं, बहुत टाइम पर गियर नहीं दिए तो हो सकता है कि गाड़ी नहीं चढ़े खड़ा हो गया, तो ये सब दिक्कत आता है, उसमें आएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं, अब वो गाड़ी हमको चलाने का सौभाग्य कब मिलता है हमको, कि हम भी चाहेंगे इतने साल ड्राइवरी तो करते आ रहे हैं वो भी गाड़ी एक बार हम चलाएं और देखें कि वो गाड़ी बिना गियर के गाड़ी कैसा होता है। दोस्तों आज है मंडे और कल तो कुछ हुआ नहीं हमारा, कल तो खैर ऑफिस बंद, किसी बात नहीं हो पा रहा है, उसके लेकर के हमारा क्या कि आगे कुछ प्रोग्राम मिला नहीं हमको, तो आज है मंडे, तो आज देखते अगर आज कहीं हो जाता है मेरा तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तब तो फिर हमको फिर घर ही जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा ना तो फिर हम फंस जाएंगे, छुट्टी पड़ जाता है, मजदूर नहीं रहता, फिर जगह जगह नोटी लगा देगा, तो उसके लेकर फिर कंपनी में खाली भी नहीं होगा, सब दशहरा लेकर के फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज भर कोशिश करते हैं अगर आज कहीं हमारा कहीं हो जाता है लोडिंग का बातचीत तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, शाम तक इंतजार करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट ब्लॉग देखने मिलेगा कि आज हमारा कुछ कहीं का प्रोग्राम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय और जय हिंद दोस्तों।